बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। जो जाने वाले से इबरत हासिल नहीं करता, वो आने वालों के लिए इबरत बन जाता है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें भूल जाए और उनकी अच्छी बातों को तलाश करें। इंसान जब मुनाफ़क़त की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरत महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों के रास्ता भी रोक लेता है। अकलमंद और बेवकूफ़ में कुछ ना कुछ ऐप ज़रूर होता है, मगर अकलमंद अपने ऐप को खुद देखता है और बेवकूफ़ के ऐप को दुनिया देखती है। अगर ज़िंदगी के रास्ते में कांटे बोटे जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी अपनी नस्लें उस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएगी। सच बोलने से इंसान को ज़हनी परेशानियों से निजात मिलती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। हम में से ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा, और दिलों में ज़िंदा वही रहते हैं जो आसानियां बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। जिस काम में जितनी जल्दी करोगे उतनी ही देर होगी। अच्छे तनिज के सब्र व तामिल से काम लेना ज़रूरी है। अच्छे के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के लिए बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ कर सकते हैं, लेकिन खून से खून साफ नहीं कर सकते। मुखलिस रिश्तों को मजबूरियों में भी ज़ाया ना होने दे, क्योंकि मजबूरियाँ तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ेंगे। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद उनकी खुशबू लेना ना भूले। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्तों में अकल होती है, मगर इंसान में दोनों होती है। अगर वो अकल को दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिशात को दबा ले तो फरिश्ता। हम इतना रोज़ अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना रोज़ दूसरों को अपने से ज़्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। खुद को अखलाकी तौर पर संवारने में इतना वक्त सिर्फ करो कि तुम्हें दूसरों पर तंदीद करने की फुर्सत ही ना मिले। इल्म हासिल करे ये ज़रूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करे ये बहुत ज़रूरी है। रंगीन ख्वाब देखने से बेहतर है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के ब्लैक एंड वाइट हकीकतों को तस्लीम कर ले। उन लोगों से मोहतात रहो जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुज़र ही जाता है। कभी कभी मरने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एहसास इंसानों को तो रवैये ही मार देते हैं, और ये मौत बड़ी अज़ियतनाक मौत होती है।
उस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर देती है, और उस माल से पनाह मांगो जो मकरूर कर देता है। अपने जिस्म की वकार के लिए अपना सर ऊंचा रखें, और अपनी ज़ात की वकार के लिए अपनी नज़र और लहजा हमेशा नीचे रखें। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा फूलों से गुज़रती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। उम्मीद आधी ज़िंदगी है और मायूसी आधी मौत है। कौमों की तरक्की अलूम व फ़नून हासिल करने से होती है, ना कि पैंट शर्ट या कोट पहनने और औरतों के मेकअप और बेपर्दा होने से। जिन रिश्तों की बुनियादों में झूठ की मिलावट हो, वो एक सच पर क्यों जमीन बोश होते हैं कि फिर बहुत से सच मिलकर भी उनको दोबारा तामील नहीं कर सकते। अगर हक को पहचान नहीं सकते तो बातिल की तीरों पर नज़र रखो, जहां लग रहे हो वही हक है। हमारी नियत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता। दोस्त वो है जो दोस्ती का हक दोस्त की गैर मौजूदगी में अदा करे और गैरों की महफिल में उसकी इज्जत की हिफाजत करे। अपनों से इतनी शिकायतें मत किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाए। अखलाक और रवैये की बदसूरती का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो हमारे साथ ना बरता जाए। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन लम्हों के जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वो दस्तियाब नहीं थे।